उच्चैरा अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद है कि प्रशासन भी इनके सामने बौना साबित हो रहा है, जिसके चलते बीते 6 वर्षों से केवल 2 कमरों में ये कॉलेज लग रहा है। बच्चे ऐसी हालत में यही पढ़ने को मजबूर है। कहने को तो सत्ता बदल गई, लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण के चलते इन अतिक्रमणकारियों को बल मिल रहा है। शुरू से ही इस जमीन को लेकर विवाद था। शासन के रिकॉर्ड में तो जमीन रिक्त थी, तभी तो न्यायालय कलेक्टर के आदेश दिनांक 20/3/16 के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग को 31 हेक्टेयर जमीन आरक्षित कर दी। वहीं अपने दूसरे आदेश दिनांक 24/1/2017 को उक्त आराजी में केवल कॉलेज भवन निर्माण के लिए ही 10 एकड़ जमीन अलॉट की। फिर भी अतिक्रमणकारी उक्त जमीन पर अपना दावा करते रहे। इसी का परिणाम हुआ कि 6 वर्ष से बच्चे 2 कमरों के महाविद्यालय में पढ़ने को मजबूर है। कॉलेज निर्माण के लिए मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 6.15 करोड़ राशि 23/3/2017 को स्वीकृति की, लेकिन अभी तक निर्माण स्थल से राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण न हटाने की वजह से यहां के लिए स्वीकृत राशि नवीन आदर्श महाविद्यालय डिंडौरी के लिए भेज दी गई। उच्चैरा संवाददाता रवि शंकर पाठक। और निर्माण एजेंसी और महाविद्यालय के कर्मचारियों का जो हाथ है, जो इनका साजिश है, इसको पर्दाफाश किया जाए, जांच किया जाए। हम लोग इसी सिलसिले में माननीय SDM साहब से मिलने यहां आए थे। अभी शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग का पत्र भी आया था कि यहां पे जमीन उपलब्ध नहीं, इसलिए कॉलेज का पैसा दूसरी जगह चले गए। इस सिलसिले में क्या आश्वासन मिला आपको? इन्होंने बताया कि भाई, उन्होंने लिख के दिया कि पजेशन नहीं है, जमीन ही नहीं है। पजेशन तो छोड़िए, जमीन ही नहीं है। जिसके लिए हमने SDM साहब से बात किया, SDM साहब ने कहा जमीन है उपलब्ध, 10 एकड़ जमीन, 31 एकड़ जमीन है, जिसमें 10 एकड़ दो पार्ट में, एक 10 एकड़ है बाकी और। तो उसके लिए हमने अभी SDM साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हम पजेशन देने के लिए तैयार हैं, प्रशासन आपके साथ हर जिम्मेदारी और हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन मौके में तो अभी अतिक्रमणकारियों का कब्जा है उस जमीन, मौके में अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई शासन प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही। नाम? निरंजन प्रजापति, उचेहरा। आज हम उचेहरा शासकीय कॉलेज की जो जमीन आवंटन हो गई थी, उस जमीन आवंटन पर तहसीलदार साहब, SDM मैडम सब गई थी और कब्जा मुक्त नहीं करा पाई, जिसकी वजह से शासकीय कॉलेज का उचेहरा का पैसा डिंडोरी जिला चला गया। हम उस सभी अपने साथियों के साथ आए और माननीय तहसीलदार साहब से बात हुई। उन्होंने बताया कि SDM साहब नहीं आई हैं, कलेक्टर साहब बेस वैसी बातें किए, लेकिन हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि अगर शासन अपने स्तर से कार्रवाई नहीं करता तो हम लोग कॉलेज भवन बनवाने के लिए जन आंदोलन खड़ा करेंगे, चकाजाम करेंगे, और जो भी लोकतांत्रिक तरीका है उस लोकतांत्रिक तरीके के तहत मांग रखेंगे, और चाहे इसके लिए हमें इस बार मतदान का ही क्यों ना बहिष्कार करना पड़े। कितने साल थे कॉलेज उचेहरा में जो 1-2 कमरों में लग रहा है, कितने साल थे? ये विगत 5 वर्षों से 4-5 कमरों में संचालित है। जो कमरे भी उन्हें दिए गए हैं वो भी जीर्ण शीर्ण है, कभी भी कुछ भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए नए कॉलेज की बिल्डिंग अति आवश्यक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपांशु सुंदरिया, उचेहरा का ही।